हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और आप सबका स्वागत है यहाँ पे पिक्सल मॉड के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ये एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे का पिछले वाले एपिसोड के आगे का पार्ट में आज आपको दिखाने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में एक्चुअली हम जो ना गाइस गए थे नेदर में, और नेदर से काफी खतरनाक एंड ओपी वाले डार्क एंड मैजिकल टाइप और या फाइटिंग टाइप जो ना गाइस पोकेमॉन्स को हम यहाँ पे जो ना गाइस कैप्चर करके पकड़ के जो ना गाइस यहाँ पर लेके आ गए थे। और आज के इस एपिसोड में भी जो ना गाइस हम काफी ओपी और खतरनाक से पोकेमॉन्स को जो ना गाइस यहाँ पे कैच करने वाले। अभी वो पोकेमॉन कौन से है गाइस, भाई वीडियो देखते रहो, आपको पता चलता जाएगा हम काफी खतरनाक वाले पोकेमॉन्स को कैच करने वाले, इतना बस मैं आपको बता सकता हूँ। तो चले गाइस, बिना किसी देरी के जो ना गाइस टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते और आज का एपिसोड शुरू करते। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट गाइस लाइक जरूर सब्सक्राइब कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद एंड के चैनल का लिंक है, उनके चैनल को चेकआउट कर लेना। और गाइस, ये जो सर्वर जिसमें हम पिक्सल मॉड खेलते हैं, ये कुछ दिन में यहाँ पे पब्लिक होने वाला है, तब आप भी सारे लोग यहाँ पे आके इस सर्वर में खेल सकते हो और हमारे साथ ट्रेड भी कर सकते हो, मेरे को अच्छे-अच्छे पोकेमॉन गिफ्ट कर सकते हो। हम मजाक कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस, ये पब्लिक होने वाला है सर्वर, और जब पब्लिक होगा ना तो उसकी जो वीडियो है ना गाइस अपने चैनल पे आ जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। तो चले गाइस, आज का जो पिक्सल मॉड का एपिसोड है ना गाइस वो शुरू करते बिना किसी देरी के, एंड फुल टू तबाही मचा डालते और देखते गाइस कि आज हम कौन कौन से पोकेमॉन्स जो है ना गाइस वो यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। अरे यार, ये मैं कहाँ कहाँ आ जाता। ओ व्हाट, वो क्या है, वो कैसे, पहले ये क्या है, स्टार सोलो, ओ चारिजार्ड, पता नहीं कैसे कौन सा वाला पोकेमोन है, ये कौन सा वाला पोकेमोन है मेरे को पता नहीं गाइस। अबे यार वल्चर, ओके ओके ओके, वल्चर टाइप का पोकेमोन है भाई। भाई इसका डैमेज तगड़ा वाला पड़ रहा है, माइंड बज, पता नहीं कैसे क्या क्या चीज है भाई। ठीक है देख लेते, चलो आ जाओ। एंड साइड में मेरे को काफी ज्यादा अलग अलग पोकेमॉन्स भी दिखाई दे रहे हैं गाइज। ठीक है चलो, कोई ना गाइज अपन एक काम करेंगे, अभी दो भाई दो एपिसोड में कन्वर्ट कर लेंगे गाइज, ठीक है। बीच में कहीं पे इंट्रो दे दूंगा गाइज, ठीक है। मैं लेट्स गो, अभी जो ना गाइज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ बेटा। भाई इसको तो मैं पकड़ना पड़ेगा, मेरे को एकदम ओपी वाला पोकेमॉन लग रहा है, क्योंकि काफी तगड़ी तरीके से जो ना गाइज वो जो ना गाइज यहाँ पे डैमेज दे रहा है गाइज, जो अपने साथ यहाँ पे बैटल लेने आए उनके पोकेमॉन्स को। मेरे को थोड़ा सा अच्छा टाइप पोकेमॉन लग रहा है ये, मैंडीबज भाई, मैंडीबज इज रुक जा भाई, ये लेजेंडरी पोकेमॉन है क्या, गूगल पापा से पूछेगा ना गाइस में, मैंडीबज इज लेजेंडरी पोकेमॉन। अच्छा मेरा अटैक है क्या, मेरा अटैक करने का टाइम है क्या, रुक जाओ, ये ले बेटा आउटरेज लेजेंडरी, ऑलराइट। मैंडीबज इज अ डार्क फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन जनरेशन 5, ओके ठीक है, लेजेंडरी है क्या, लेकिन ये मैंडीबज आई थिंक लेजेंडरी नहीं है, मे बी गाइज, अननोन सब कुछ दिखाई दे रहा है गाइज यहाँ पे, फ्लाइंग टाइप फीमेल, ओके ठीक है, आई डोंट नो गाइज, देख लेते चलो, मे बी इसके ऊपर अपन भाई अपना वो यूज कर लें। ऑलराइट, कैन ओनली फाउंड विद द पोकेमॉन शील्ड वर्जन, ओके ठीक है भाई, ऑलरेडी गाइज गूगल पे उसकी ज़्यादा जो है ना गाइज इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। साइकिक टाइप है पोकेमॉन, एंड आई थिंक मैं इसको कैप्चर करूँगा, बट इसके ऊपर मास्टर बॉल यूज करूँ या ना करूँ ये मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइज। ऑलराइट रुक जाओ, पहले इसको हरा देते गाइज, ओके ठीक है, इसको पहले हरा देते, लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ गाइज, इसके ऊपर जो ना गाइज मैं डाल रहा हूँ गाइज अपना अटैक एकदम खतरनाक वाला। एक मिनट रुक जाओ, फिर भी को अबे यार जल्दी, ओके इसकी शील्ड जो ना गाइज वो ब्रेक हो चुकी है, एंड भाई तू उड़ा डाला यार इसको, ओके अवेलेबल 18% अवेलेबली एंड ओके आर लेटर मोर, ओके ठीक है भाई, ये जो है ना गाइस पता नहीं गाइस कौन से टाइप पोकेमॉन है, बट मैं इसको नॉर्मल इससे भाई कैच करने की कोशिश करता हूँ। चलो आया तो आया, वरना जाने दो, छोड़ो मेरे को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रही है गाइस, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को गूगल पापा पे भी मिली नहीं गाइस। मैंने डाल था लेजेंडरी पोकेमॉन है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे लिख गया कि ये लेजेंडरी तो है नहीं भाई। अरे यार ले इंस्टेंट पावर, खत्म बेटा, चल कल आना कल, ये मेरे पास पड़ा हुआ है गाइस पोकेमॉन ड्रॉप ऑल। ऑल राइट, एंड मैं थोड़ा सा जो है ना गाइस यहाँ पे, ओ ये क्या चीज है पता नहीं गाइस ये क्या है, पता नहीं चल रहा क्या है, लेकिन इसको मैं ये कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। ओ उड़ा देगा क्या, शायद उड़ा देगा मेरे को, बट मेरे पास थोड़ा सा रीजन करने वाले अटैक्स है, उसे इसकी हेल्थ कम करके ना इसको कैप्चर करने की कोशिश कर लेता भाई। मेरे मैंटिस वाली तो हवा टाइट कर रखी है यार, ठीक है ले बेटा, भाई वापस से खींच ले भाई इसकी एनर्जी। ऑल राइट, वो मेरे को मार रहा है, मैं उसकी जो ना गाइस एनर्जी खींचे जा रहा हूँ गाइस, ठीक है। ये देखो गाइस, ये ले बेटा,
अपना फाइनल अटैक, देन मैं अपना पोकेबॉल यूज करके इसको कैप्चर कर लूंगा गाइस, ठीक है। आज तो भाई काली पोकेमोन कैप्चर करेंगे अपन ओपी वाले, एंड आप बताना उसमें से सबसे ओपी वाला कौन है, उसको लेवल अप कर लेंगे अपन बाद में, ठीक है। हो जाएगा आई थिंक ये कैप्चर, शायद हो जाएगा, उतना नहीं गाइस, देख लेते। चलो अल्ट्रा बॉल, वेटिंग वेटिंग, हो गया गाइस, हो गया कैप्चर। ऑल राइट डन, लेट्स गो। ऑल राइट, ओ यहाँ पे एक और पोकेमोन दिख रहा है, ओ वो कैक्टोर, ये क्या है भाई, ये कुछ अजीब वगरीब पोकेमोन लग रहा है गाइस, कर ले क्या, क्या बता कौन से लेजेंडरी पोकेमोन को अचानक से मैं कैप्चर कर लूँ ना गाइस, क्या बता। ओ नहीं, अनपॉसिबल, सच में क्या बॉस है, अगर ये मेरे को यहाँ पे मिल रहा है ना, बिशप है ना आई थिंक ये, शायद हाँ भाई, मेरे को ये तो बता था गाइस, बिशप है। वेट अ मिनट, मरना नहीं चाहिए बेटा, मरना नहीं चाहिए, पोकेमोन चेंज कर, बिशप पोकेमोन चेंज कर, उपा उपा यूज कर ले, उपा यूज कर ले, हाँ ठीक है, बिशप है भाई, ये काफी ओपी पोकेमोन है, जो मैंने पकड़ा था ना उसका आई थिंक वॉल फॉर्म है ये, हाँ मार रहा है बेटा, उपा उपा शैडो वॉल, मरना नहीं चाहिए बेटा, एक पढ़ के मैं मरना नहीं चाहिए प्लीज, हाँ नाइस नाइस वन, नाइस वन, काफी बढ़िया, एचपी डाउन कर करके जो ना कि जिसके ऊपर अल्ट्रा बॉली फेंक के इसको कैप्चर करने की कोशिश करूंगा मैं, 40% मतलब ओके ठीक है, 3% बची है ना, एक फाइनल शैडो बॉल, देन भाई मरना नहीं, नाइस वन, काफी बढ़िया, आई थिंक मैं अभी इसको कैप्चर कर सकता हूँ, ओके ठीक है, लाल किले इसको उतार दें, देन अपन अल्ट्रा बॉल यूज करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ऑल राइट कम ऑन ऋषभ ब्रो, भाई साहब ये काफी ओपी पोकेमोन माना जाता है गाइस, ठीक है, काफी ओपी, ब्रेक फ्री कम ऑन, मैं तो इसको कैप्चर करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं कैप्चर करके रहूंगा भाई इसको, अल्ट्रा बॉल भाई मेरे को चाहिए, ऋषभ भाई किसी भी कीमत पे मैं इसको भाई कैप्चर करके रहूंगा गाइस, कम ऑन ड्यूड, अरे यार वंस मोर होगा होगा गाइस, होगा होगा होगा, इसको यूज कर ले भाई, कोई अटैक नहीं करना है, कोई अटैक नहीं करना है, अल्ट्रा बॉल अगेन भाई, मैं मास्टर बॉल जो ना कहूं बचा के रख रहा हूं लेजेंडरी पोकेमोन के लिए, आ ऋषभ कम ऑन बेटा, मास्टर बॉल है यार बट क्या करे, कम ऑन, होगा 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 होगा, हो गया हो गया हो गया हो गया, कम ऑन बेटा, लेट्स गो, ओ भाई हो गया क्या भाई, तुम्हारे भाई ने ऋषभ कैप्चर कर लिया, बताओ भाई बताओ बताओ अभी क्या बोलोगे, भेज गया क्या, बताओ गाइस ऋषभ कैप्चर कर लिया गाइस, ऋषभ वैसे कौन सा पोकेमोन है, थोड़ा सा मैं रिसर्च करके आता, ये ऋषभ जो ना गाइस कौन सा टाइप पोकेमोन है, लेजेंडरी लेजेंडरी है क्या, मेरे को भी पता नहीं गाइस एग्जैक्टली, मैं देख के आता गाइस, रुक जाओ। तो गाइज यहाँ पे जो ना गाइज मैं घर पे जो ना गाइज ऋषभ को पकड़ के जो ना गाइज आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे पहले एक पोकेमोन जो ना गाइज वो आ चुका है, इसको भी कैप्चर करने की अपन कोशिश कर लेते, सबसे पहले इससे थोड़ी सी फाइट ले लेता हूँ गाइज में, ठीक है। अबे यार टूटता नहीं क्या, रुक जाओ, इससे जो ना गाइस सबसे पहले अपन फाइट ले लेते हैं और इसको चेप डालते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेरे को कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे को ये पता चला है कि मैंने जो गाइस यहाँ पे पोकेमोन वो पकड़ा था ना गाइस, कहाँ बोलते और नेदर में, अरे भाई ये तो वन शॉट मर गया, कैच कर ले चल, जो भी पोकेमोन है, तो जो गाइस मैंने नेदर में पोकेमोन पकड़ा था ना गाइस, उसका इवॉल्व फॉर्म जो ना गाइस वो बिशप है, एंड मैंने जो ना गाइस बिशप डायरेक्टली पकड़ लिया, मेरे को अभी वो नेदर में जो पोकेमोन मिला था उसको इवॉल्व करने की जरूरत जो ना गाइस वो बिल्कुल यहाँ पे पड़ने नहीं वाली है, और मैंने रेयर बॉल से, भाई ये क्या है भाई, मैंने रेयर बॉल से उसको पकड़ा है भाई, खतरनाक, वैसे ऋषभ लेजेंडरी है या क्या है वो मेरे को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इतना पता चल गया कि अपन को जो नेदर में पोकेमोन मिला था उसका इवॉल्व फॉर्म है, जो कि काफी ज्यादा ओपी चीज है भाई, ठीक है। एंड अभी जो ना गाइस अपन जाने वाले गाइस, रुक जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो देखो अपने पास कौन कौन से पोकेमोन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये वाला जो पोकेमोन है ना पॉनियर्ड या जो भी, उसका जो ना इवॉल्व फॉर्म है ऋषभ, अभी ऋषभ को मेरे को लेना चाहिए या फिर ये, देखो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग पोकेमोन है, और इस पोकेमोन के पास एक खुद का हेल्ड आइटम भी है जो मैंने भाई पकड़ा था, और ये देखो भाई ये पोकेमोन है, मेरे पास काफी पोकेमोन आ चुके हैं, आप मेरे को बताना इसमें से सबसे ओपी वाला पोकेमोन मेरे लिए कौन सा रहेगा गाइस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अपन वापस से जाने वाले गाइस नेदर शेदर में, एंड मैं अपना सामान जो ना गाइस सबसे पहले यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस, ठीक है। अटैक बिटैक्स मेरे को फायर पंच वीर पंच ये मिले थे वो डाल देता हूँ भाई, एक्सपी कैंडीज मिले वो भाई मैं डालूंगा नहीं, एक्सपी कैंडी की मेरे को जरूरत है गाइस, फुल नगेट मिला है, डोंट नो नगेट किस काम आता है गाइस मेरे को बता नहीं यार, ठीक है ये फेंक दे चल भाई, डायमंड चैमंड है भाई, डायमंड वैसे बता नहीं गाइस किस काम आते हैं, बट मैं यहाँ पे रख देता हूँ डायमंड भाई, ठीक है। एंड एक्सपी कैंडी से जो ना कैसे अभी अपन क्या कर लेंगे बता, एक मिनट रुक जाओ मैं अभी भाई वापस से जाने वाला था, मैं भूल गया कि मेरे को पोकेमोन को चेंज करके जाना है, मेरे को हाई डैमेज देने वाले पोकेमोन से नहीं चाहिए बिल्कुल भी, नेदर में गाइस एक एक, एक खतरों का खिलाड़ी बन सकता है तुम्हारा भाई, बताए कैसे, चारिजार्ड एमचॉली बाबू किधर गया हो, सवाना आ जा भाई, सवाना को कंट्रोल कर सकता भाई मैं, एंड नेदर में मेरे को कंट्रोल करने के लिए एक और पोकेमोन चाहिए होगा, सवाना को मैं यूज कर सकता हूँ,
बट मेरे को थोड़ा लो लेवल का पोकेमोन चाहिए, जो थोड़ा सा मतलब 60-24 लेवल नहीं यार, थोड़ा और हाँ ये चल जाएगा आई थिंक। कुप्पा भी है अपने पास वैसे, इसको भाई डाल देता हूँ। एंड और कुछ और इसको 70 लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 30 लेवल मैक्स टू मैक्स हमको भाई वहाँ पे मिल जाते हैं स्पॉन में भाई। ठीक है अपन हील कर लेते हैं इनको, देन अपन चल रहे डायरेक्टली सीधा नेदर में अगेन। ठीक है एंड अपना भाई वो लेजेंडरी पोकेमोन है, उसको भाई थोड़ी कैंडी शेंडी खिला लेता हूँ। इसको गाइस मेरे को 100 लेवल करना है, मतलब करना है गाइस। ठीक है 86 हो चुका है, लार्ज कैंडी खिला दीजिए डायरेक्टली भाई। एंड और कैंडी, अच्छा एक और स्मॉल कैंडी पड़ी हुई है, रुक जाऊँ ये भाई ये खा ले। एंड बेक पोटैटो, चलो गाइस लेट्स गो। नेदर में जो ना गाइस तुम्हारा भाई जाने वाला है वापस से भाई, भाई बुलडू मजे आने वाले आज दो गाइस। जैसे जैसे पोकेमोन कैच करेंगे ना आप भाई, आपने कभी सोची ना होगी, उम्मीद करो पिकाचू मिल जाए। मेरे को पिकाचू चाहिए पता है, काफ़ी ज़्यादा बंदे बोलेंगे पिकाचू उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बट मेरे को चाहिए भाई, मेरे को चाहिए भाई, मेरे को आई लव पिकाचू ब्रो। ठीक है मैं जाना किधर है, मेरे को पिछली बार गया था मैं इधर, यहाँ पे ज़्यादा पोकेमॉन्स नहीं, मैं इस तरफ एक्सप्लोर कर लेता हूँ गाइस। ठीक है इस तरफ एक्सप्लोर करूँगा एंड देखते कौन कौन से पोकेमॉन्स मेरे को मिल जाएगा इस वहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे पोकेमॉन है, कुछ बड़े बड़े भी पोकेमॉन है। ये क्या है यामास, ओके यामास इज द थोड़ा सा अच्छा अच्छा सच्चा सच्चा पोकेमॉन। सो मैं डायरेक्टली अल्ट्रा बॉल डाल के उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं आया देन अपन डायरेक्टली उसको चेप डालेंगे भाई। अल्ट्रा बॉल से आ जा बेटा, यामास बहुत फ्री, चल बेटा यामास कल आना भाई। यामास का इवॉल्व फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा ओपी होता है गाइस। ठीक है टेक ऑल, ऑलराइट मैंने देखा है गाइस यामास का इवॉल्व फॉर्म काफ़ी ओपी होता है। काम कर ले, रिस्की है गाइस, रिस्की बहुत ज़्यादा है ये रिस्की काम है गाइस। ठीक है बट इससे थोड़ा सा जो है ना गाइस जल्दी जल्दी अपन भाई थोड़ा सा इधर उधर जा पाएंगे ना गाइस। और क्या पता कोई ओपी ओपी पोकेमॉन्स भी अपन को देखने को मिले। चला जा बेटा संभल के संभल के, लावा में नहीं गिरा देना भाई, फ्लाइंग भाई डर लग रहा है यार मेरे को, सच में बहुत डर लग रहा है। गिर गया ना गलती से तो बैंड बच जाएगी ये कोने, आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, कैप्चर कर लेते। चलो आ जाऊँ बेटा, हाँ इसको उतार डाल। टर्टिनेटर, क्या टर्मिनेटर का भाई है क्या ये टर्टिनेटर भाई, अच्छा पोकेमॉन लग रहा है भाई। एब्जॉर्व कर ले, एब्जॉर्व वर्क नहीं करेगा। पोकेमॉन चेंज कर लूँ, पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा आई थिंक। उप्पा शैडो बॉल डाल दे, 54 लेवल का है तो शैडो बॉल मेरे हिसाब से सही रहेगा। यूज बट इट फेल भाई, शैडो बॉल नाइस वन, ओके ठीक है और शैडो बॉल नहीं डालना। व्हाट द क्या वो मरा कैसे, टर्मिनेटर एक्सप्लोजन, अब इसने खुद को मार दिया। ए ललीजे का है पोकेमॉन, इसने क्या सुसाइड कर लिया गाइस। स्लगटेरा ये तो पकड़ रखा है मैंने, स्लगेरा या जो भी इसका नाम है भाई, पागल पोकेमॉन है सच में भाई, खुद को मार दिया भाई पटके। मैं उसको भाई उसके ऊपर बॉल डाल के उसको कैप्चर करने वाला था, उससे पहले गाइस उसने सुसाइड कर लिया। बताओ गाइस अभी मैं क्या करूँ भाई, करूँ तो करूँ क्या भाई, रिस्की तो है भाई। ठीक है काम कर ले, जा बेटा इसको इसके ऊपर बैठ के चला जाओ। शिफ्ट नहीं दबाना भाई, शिफ्ट बिल्कुल नहीं दबाना है, कुछ भी हो जाए। ओ ब्रिचअप एक और, कितने लेवल है बेटा, 59 लेवल। चलो भाई इसको उड़ा डालता भाई, इंस्टेंट पावर बाय बाय। वो इंस्टेंट पावर भी वर्क नहीं कर रहे, चलो इसको फिर कैच ही कर लेंगे ना गाइज, किसी को दे देंगे गाइज अपन, ट्रेड करने के काम आएगा। क्योंकि ब्रिचअप आपको बताया कितना ज़्यादा ओपी पोकेमॉन है, तो ट्रेडिंग के टाइम जो है ना गाइज अपन इसको यूज़ कर सकते हैं भाई ट्रेड करने के लिए। ठीक है काम कर ले, अल्ट्रा बॉल यूज़ कर लेता हूँ। वैसे अल्ट्रा बॉल काफ़ी सारे यूज़ करने पड़ेंगे मेरे को, बट उम्मीद कर रहा हूँ कि आ जाएगा इसे। कम ऑन, नहीं आया गाइस, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, नो प्रॉब्लम हो नो प्रॉब्लम हो, आ जाएगा इजी पीजी ब्रो, लेट्स गो ब्रदर। आ जा अल्ट्रा बॉल में, आई थिंक कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि एक कैप्चर करा तो दूसरा भी हो जाएगा, बट थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है भाई। अपने पोकेमॉन को उड़ाना डाले यार ये भाई, काफ़ी ओपी वाले पोकेमॉन जो है कैसे अभी मिल रहे मेरे को कैस नेदर में, सच में भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी वाले पोकेमॉन मिल रहे हैं। आई थिंक अभी आ जाएगा, नाइस डन, कैच कर लिया कैसे अपन एक और ब्रिशअप भाई। ठीक है भाई ट्रेड करने के काम आएगा ना बाद में जाके, जब पब्लिक सर्वर होगा तो अपन ब्रिशअप को ट्रेड कर लेंगे किसी से भाई, कोई ओपी पोकेमॉन ले लेंगे उससे डायरेक्टली। मैंने इस तरह भाई कुछ पोकेमॉन्स देखे, थोड़ा जमीन पे चल, ये भाई सिली कोबरा फिली कोबरा तो अपने रियल वर्ल्ड में भी ये नहीं चाहिए मेरे को। चल आ जाओ, ये वाला तो कैप्चर कर लिया मैंने। ठीक है और कोई नए नए पोकेमॉन्स नहीं है क्या, एसटी ओके, संभल के बेटा संभल के, थोड़ा लावा जब भी दिखता है ना मेरे पड़ जाती है गाइज, समझ रहे हो गाइज, समझ रहे हो, लावा दिखते मेरी बैंड बच जाती है भाई, डर लग जाता है गाइज कि भाई मर भी गया तो भाई। ओके चल 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 उड़ उड़ के चलो, अबे यार अबे यार अबे यार अबे यार अबे यार, ठीक है संभल के उड़ना है, अभी उड़ नहीं पाऊँगा ठीक से, बट कोई ना गाइज, मैं थोड़ा सा भाई फटके मुँह पे पड़े मेरे भाई 10-12,
बट कोई सीन नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे मेरे को वो भी जुबैड भी दिखाई दे रहा है। जुबैड को कर लूँ क्या कैप्चर गाइस? जुबैड कर लेता हूँ ना, जुबैड वैसे भी अच्छा पोकेमॉन ही है। अच्छा जुबैड, अरे 9 लेवल का जुबैड नहीं चाहिए यार। काबूटॉप्स, अबे यार जुबैड तू भी मेरी तरह ही है क्या? अरे भाई 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 भाई, ठीक है भाई ठीक है, चलते रहे। नॉर्मल बॉल यूज करूंगा, अब एक काम कर लेता हूँ गाइस, ठीक है अल्ट्रा बॉल यूज कर लेता हूँ, इजी पीजी भाई तुरंत ही हो जाएगा। सुपर इफेक्टिव जुबैड रिगेन्ड एनर्जी, अबे क्या कर लेगा रिगेन्ड एनर्जी करके, कैच तो होना ही है उसको मेरे से, खत्म भाई। चलो आ जाओ, पीसी में ऐड हो गया। ऑलराइट, और भाई देख लेते कौन कौन से ओपी पोकेमॉन्स है। अबे तो मेरे को चुटकू चुटकू लाल दिखाई दे रहा है यार, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नेदर में सच में गाइस आके तो फायदा हुआ है यार अपना, काफ़ी ज़्यादा ओपी वाले पोकेमॉन्स तो मिल गए मेरे को। ऋषभ दो दो हो गए गाइस अपने पास संभल के। लावा है, लावा है, लावा है बेटा, लावा है, ठीक है। उड़ना उड़ना उड़ना, यहाँ पे अगर टकरा गया ना कहीं पे, अरे माँ क्या क्या कहा गया, डर लग रहा गाइस। मैं लावा में गिर के मर ना जाऊँ भाई, मेरा मास्टर बल जला जाएगा यार। डर लग रहा है गाइस, डर लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, योगा से योगा पिकाच मिलेगा क्या? पिकाच ये क्या छतरी वितरी घूम रहे गाइस यहाँ पे? छतरी वितरी वाले पोकेमॉन घूम रहे भाई। भाई यहाँ तक तो आ गया लेकिन रिटर्न कैसे जाओगे उतनी ज़्यादा दूर, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। और ये जो है अगर टकरा जाता है ना तुरंत ही नीचे गिर जाता है गाइज। वैसे टकराने से अगर मैं लावा शावा में गिर गया ना तो अरे भाई की तो बैंड बच जाएगी गाइज। चलो आ जाओ एक्सप्लोर कर लेते, एक्सप्लोरेशन के चक्कर में जो ना गाइज मेरी बैंड ना बच जाए, बस यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं। चलो आ जाओ गाइज, कोई ओपी वाला पोकेमॉन मिलने की उम्मीद है मेरे को, देखते गाइज मिलता है कि नहीं। मरते मरते बचाओ गाइज, हेल देख लो तुम्हारे भाई की गाइज। वो सफोकेशन के कारण जो ना गाइज हवा टाइट हो गई थी यहाँ पे भाई, अपने पोकेमॉन ने डायरेक्टली नीचे उतार डाला भाई मेरे को, संभल के। ना, ये बता नहीं कहाँ पे आया हूँ मैं बट। अबे ना, निकाल दूंगा तेरा बाहर भेज गया। ना कर रहा है गाइज, ठीक है चलो। पोकेमॉन को आई थिंक मैं यूज कर सकता हूँ, इसकी हेल्थ भी काफ़ी तगड़ी डाउन है यार। चला जा, फॉल डैमेज तो बचा लेगा यार, फॉल डैमेज तो बचा लेगा। नाइस वन, काफ़ी बढ़िया भाई, बच गया गाइज। यार यहाँ पे भाई मेरे को उतने ज़्यादा पोकेमॉन्स अच्छे वाले अभी दिखाई नहीं दे रहे गाइज, मेरे को लग रहा है जो भी अच्छे पोकेमॉन्स थे वो गाइज मैंने पहले पकड़ रखे हैं गाइज, ठीक है। गाइज कोई ही नहीं यार अच्छा वाला पोकेमॉन, फिर भी अपन ढूंढेंगे गाइज, मर ना जाओ कहीं पे भाई। अभी इस तरफ से जो ना गाइज मैं अपने घर की तरफ निकल लेता हूँ गाइज, ठीक है। टेलीपोर्टर कहाँ पे मेरा? यहाँ पे, एंड मैं आ चुका हूँ, उड़ उड़ के यहाँ पे आया हूँ मैं। सो मेरे को जो ना गाइज इसी डायरेक्शन में निकलना है सीधा इस तरफ भाई, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ कोई अच्छा सा पोकेमॉन दिख जाए नीचे भाई, कोई बड़ा सा एंड ओपी सा पोकेमॉन दिख जाए, बस मजा आ जाएगा। वो रहा गाइस अपना टीपी भाई, ठीक है। मेरे को वो दिखाई दे रही है गाइस लाइन बड़ी सी, उसको बस फॉलो करते हुए जाना है और अपन पहुंच जाएंगे गाइस। कहीं कहीं पे ऐसी जगहें आ रही है ना गाइस जहाँ पे जो है ना गाइस थोड़ा मुश्किल हो रहा है गाइस अपन को, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है गाइस। ऑलराइट कम ऑन नाइस, संभल के थोड़ा, काफ़ी मुश्किल हो रहा है यार। बार बार जो ना गाइस मैं नीचे गिर के मेरे हार्ड काफ़ी सारे खत्म हो रहे हैं, काफ़ी सारे हार्ड जो ना गाइस मेरे पहले ही जा चुके हैं, संभल के बेटा। उसको कंट्रोल करना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है गाइस, बट मैं भाई अभी एक बार जो ना गाइस घर में बस पहुंचना चाहता हूँ भाई। नीदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा जो ना गाइस खतरनाक और डरावना लग रहा है यार, यहाँ पे मरने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ये नया बायोम है क्या? नया बायोम इज इक्वल टू नए पोकेमॉन्स। डर्ट है क्या ये? पता नहीं चल रहा है क्या चीज है। मैं खूबसूरत से नए ग्रीन बायोम में आ चुका हूँ, पोकेमॉन्स तो यहाँ पे कोई नए वाले दिखाई नहीं दे रहे गाइज, बट काफी ओपी लग रही है गाइज ये जगह। चलो लेट्स गो, चलते अपने पोर्टल के पास। अबे यार थोड़ा खाना भी ना खा लूं भाई, यहाँ पे एक तो भाई उंगली हो रही है भाई बहुत सारे पोकेमॉन से, मेरे को डर लग रहा है गाइज वो अलग गाइज। भाई मैं हूँ यहाँ पे और मेरा वर्टिकल चक 4। अबे वर्टिकल चक भाई, अबे वर्टिकल चक गया भाड़ में भाई, ये क्या चीज़ है वर्टिकल चक? अबे ये नहीं चाहिए भाई, फॉलो। हाँ ओके ठीक है। अबे वर्टिकल चक का ऑप्शन कहाँ से आ गया अचानक से, पता नहीं गाइज मैं हूँ कहाँ पे, रुक जाऊँ रुको पहले देखने दो गाइज वर्टिकल चक। वेट अ मिनट, मेरा मैप का कुछ सीन हो गया होगा गाइज। अरे कैंसिल भाई, हाँ मेरे को यहाँ पे जाना, मैं जा से ही रहा हूँ गाइज, मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है, बट ये चीज़ मेरे को थोड़ी दिक्कत देने वाली है यार। मैं आया क्यों गाइज इधर से, ठीक है संभल के चल। काश
अगर अपने पास ये, अगर ये मतलब काश ने अगर ये अपने पास ये वाला पोकेमोन नहीं होता ना, तो भाई काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती गाइस यहाँ पे नेदर से बाहर निकलने में। लकीली अपन एक फ्लाई टाइप पोकेमोन लेके आए, चारिजार्ड लेके आता ना तुम्हारे भाई के डर लिए बैंड बच जाती यार। ओ शिट यार, घूम के जाना पड़ेगा क्या? लग तो रहा है लाओ के ऊपर से उड़ तो रहा हूँ मैं सही से, पता नहीं कब तक उड़ पाऊंगा। संभल के बेटा, ऊपर नहीं लगना चाहिए खोपड़ी पे, पट्टे से हेडशॉट लग जाएगा वरना। घूम के जा रहा हूँ पूरा, मेरे को उधर नहीं जाना, मेरे को इस तरफ जाना है। हाँ नाइस वन, लेट ये रहा रास्ता। ओ वो रहा गाइस, वो दिखाई दे रहा फाइनली। चलो 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 भाई, मेरे को घर जाना है गाइस, मुझे घर जाना है भाई। मैं काफ़ी ज़्यादा पोकेमोन, काफ़ी सारा सामान लेके जा रहा हूँ। ओके यार, ये वाला पोकेमोन तो मैं कैप्चर कर चुका हूँ, और मेरे को कोई नए वाले, एनाकोंडा, एनाकोंडा तो नहीं चाहिए भाई। ये वाला सिलीकोबरा, फिलीकोबरा जो भी, ये नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, ये रहा गाइस मेरा घर, वो रहा घर गाइस, मेरे को चेत में से घर दिखाई दे रहा है गाइस, मेरा टेलीपोर्टर दिखाई दे रहा है गाइस, और मैं उससे ही जाऊंगा संभल के यहाँ पे। नाइस, इसी की बात कर रहा था, इसी की बात कर रहा था, मुझे लगा था गाइस ऐसे ही कुछ होगा, मुझे लगाया था ऐसे ही कुछ होगा। संभल के ऊपर नहीं लगना चाहिए, नहीं लावा को लगना चाहिए। नाइस, नीचे उतर जा सीधा। ओ फाइनली मिशन कंप्लीट गाइस, चलो घर पे चलते चुप जाओ भाई। यहाँ पे नेदर जो ना गाइस, वो काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया अपन ने। मरते मर ना जाओ गाइस यहाँ पे कहीं पे, वेल्डन आ जाओ बेटा। ओ फाइनली गाइस अपन जो ना गाइस, अरे यार पता नहीं क्यों बार बार मैं यहीं पे आ जाता हूँ यार, और पहले टाइम बारिश देख रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पे, पहले टाइम जो ना गाइस बारिश देख रहा हूँ मैं। वैसे जाना किधर है? इधर जाना, यहाँ पे रापना कर गाइस। और कोई नेस्ट बीच नहीं है क्या? बारिश के मौसम में कोई नेस्ट बीच नहीं है? यहाँ पे एक लोंडा भी है गाइस, जिससे फाइट ले लो क्या? अच्छा कैक्टस है, वाह भाई, मेरे को दूर से भाई किसी बंदे की तरह दिखाई दे रहा था। चलो लेट्स गो गाइस। तो आज जो ना गाइस हमने काफी ज्यादा अलग अलग तरह के पोकेमोन जो ना गाइस वो नेदर में भी कैप्चर करे, और गाइस रियल वर्ल्ड में भी कैप्चर करे। और गाइस सबसे ओपी वाला पोकेमोन जो मेरे को मिला है ना गाइस, वो मेरे को बिशप लग रहा है, क्योंकि भाई साहब वो काफी खतरनाक है। और अपन ने एक नहीं गाइस, एक ही एपिसोड में दो दो बिशप जो ना गाइस वो यहाँ पे कैच करे। तो गाइस कैसा लगा गाइस, वैसे मेरे को बता देना यार, बिशप भाई एकदम ओपी पोकेमोन है या फिर ऐसे फालतू का पोकेमोन है गाइस, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। और गाइस आज का जो एपिसोड है ना गाइस पिक्सेलमोन का, वो यहीं पे खत्म करने का टाइम जो ना गाइस वो आ चुका है गाइस। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से नए पोकेमोन जो ना गाइस यहाँ पे कैप्चर करे, और आप मेरे को बताना उसमें से कौन सा वाला ओपी है भाई। ठीक है, पहले करा ये वाला मॉर्ग्रिम करके एक है भाई, ठीक है मॉर्ग्रिम करा है। देन मैंने करा इम्पीडिम्प समथिंग कुछ, एंड ये सैबली पता नहीं गाइस नाम, डस्कल क्या डुस्कल डार्क स्कल आई थिंक इसका नाम है, पता नहीं गाइस। उसके बाद ये तो भाई अपन को चाहिए नहीं, क्योंकि इसका इवॉल्व फॉर्म अपने पास बिशप पड़ा हुआ है। देन ये कुछ भाई कीड़े की तरह दिखने वाला पोकेमोन, हॉर्सी एक टेम करा है। देन अपन ने करा जू बैड भाई, ठीक है। तो ये सारे पोकेमोन जो है ना अपन ने कैच करे, इसमें से कौन सा ओपी वाला पोकेमोन है मेरे को जरूर नीचे कमेंट मार के बता देना। अभी जो पोकेमोन मैंने स्वाइप करे थे वो वापस से जो ना यहाँ पे लगा देता हूँ भाई, ठीक है। एंड इसकी जगह पे मैं क्या लगाऊँ, इसको लगा दो क्या? मेरे हिसाब से मेरे को बिशप यूज करना चाहिए अभी यहाँ पे, 60 लेवल का बिशप में इसको यूज कर लेता होगा, ठीक है। चलो तो गाइस, ओ वृषभ के ऊपर राइड कर सकता हूँ क्या? वृषभ का लुक तो आपको दिखाई सकता हूँ। ओ भाई हाँ भाई, विल्डू दवाई इसके ऊपर तो मैं बैठ भी सकता हूँ। मेरे को वृषभ डोरेमोन ने दिया था क्या पहले? आई थिंक नहीं दिया था भाई, नहीं दिया था। ओ भाई विल्डू दवाई गाइस, डिचिक 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 डिचिक, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, अभी दिखाई भी नहीं दे रहा यार उसके ऊपर बैठने के बाद, दिखाई नहीं दे रहा। मैं काफी ज्यादा ऊंचाई पे बैठ चुका हूँ गाइस, ये देखो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, एक नहीं गाइस सीधा दो दो वृषभ अपने पास है भाई, ठीक है। और इस वृषभ को जो ना गाइस आई थिंक अपन कुछ इवॉल्व इवॉल्व करने के लिए कुछ दे सकते हैं, या फिर ये फाइनल इवोल्यूशन है गाइस? नीचे कमेंट मार के जरूर से बता देना गाइस मेरे को, ठीक है। एंड उसके साथ मेरे को नेदर से खास उतनी कुछ चीजें नहीं मिली, मेरे को शल्कर शेल मिला है, उसके अलावा और कुछ खास नहीं मिला गाइस, ठीक है। तो गाइस आज का एपिसोड पिक्सेलमोन का यही पे खत्म होता है। आज तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने काफी ओपी वाले पोकेमोन जो है गाइस यहाँ पे कैप्चर करे, ऐसे मेरे को लग रहा है गाइस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज का एपिसोड पिक्सेलमोन का यही पे खत्म होता है, और ये सर्वर जो ना गाइस 2-3 दिन में पब्लिक हो जाएगा। उसके बाद जो ना गाइस आप सारे सर्वर में खेल पाओगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का गाइस, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हुई सर्वर में, अगर अपन कुछ जो मॉड सोच रहे हो अगर डाल नहीं पाए, तो शायद सर्वर पर पब्लिक ना हो, बट 80% चांसेस है कि सर्वर पब्लिक हो जाएगा, और 20% चांसेस है कि भाई पब्लिक नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 80% चांसेस है ना गाइस वो भाई प्लान अपन जो सोच रहे हो सक्सेसफुल हो जाए, एंड ये सर्वर पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गाइस आज का जो एपिसोड है ये भी खत्म होता है। और गाइस ओ जो मैंने पोकेमोन गाइस यहाँ पे डाले थे वो हो गए गाइस बड़े, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला पोकेमोन ऑलराइट कौन सा है भाई ये पोकेमोन? कार्निडोस गाइस, कार्निडोस एक मिल चुका है अपन को, इसके बारे में मेरे को जरूर से बता देना गाइस, ठीक है। देन ये वाला तो पोकेमोन मेरे पास था यार पहले से यार, ये नहीं चाहिए, और ये इनकम्प्लीट फॉसिल है, ये कंप्लीट कैसे करते हैं ये मेरे को पता नहीं है, तो मैं डोरेमोन से पूछ लूंगा बाद में भाई, ठीक है। एंड वहाँ पे मैं कुछ भाई और फॉसिल जो है ना गाइस वो डाल देता हूँ, रुक जाओ भाई
बर्ड फॉसल फ्लाइंग टाइप कोई आ जाएगा शायद भाई। इनकम्प्लीट, अरे यार इनकम्प्लीट ही फॉसल है क्या? अच्छा ये वाला कंप्लीट है भाई, तो इनकम्प्लीट, अच्छा इनकम्प्लीट फॉसल अपन वापस से ले सकते हैं गाइस, ऐसा है क्या? ठीक है, बर्ड फॉसल नहीं है, ये भी नहीं है, कैंडी शैंडी नहीं है, आर्मर फॉसल, आर्मर फॉसल डाल देता हूँ, देन रूट फॉसल डाल दूंगा भाई, ये पोकेमॉन बनाने के लिए डाल देता हूँ, रूट भी चला गया एंड आर्मर भी चला गया। ठीक है चलो गाइस, तीन नए पोकेमॉन जो है ना गाइस वो मैंने यहाँ पे बनाने के लिए डाल दिए, अगले एपिसोड तक ये तीनों पोकेमॉन जो है ना गाइस वो बनकर रेडी हो जाएंगे गाइस। ठीक है चलो मिलता है अगले एपिसोड में, टाटा बाय, गुड बाय गाइस, सी यू लेटर, जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, सी यू लेटर गाइस। And how careless we yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.